hello everyone how are you doing okay so as some of you might be knowing uh, i teach Women's studies for ugc net okay uh, this is the third time that we'll be starting this course uh, for december 2023 तो इस बार साल में तीन बार पेपर होना था एज़ यू माइट मिलिंग फेबररी में देन अभी जून में हुआ और अभी जो है दिसंबर में होगा तो पिछले वाली साइकिल्स की ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे टाइम जो था वो काफ़ी कम था राइट तो फेबररी वाला एकदम से अनाउंस हुआ था फेब्ररी और, और जून के बीच में काफ़ी कम टाइम था लेकिन अभी इस वाली साइकिल के अंदर द गुड न्यूज इज़ दैट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दिस साइकिल जो कि दिसंबर में होगी ठीक है अभी वी आर इन द मिडल ऑफ जुलाई तो बीच में आपके पास पाँच छः महीने हैं जहाँ पे यू कैन ईजिली कन्वीनियंटली प्रिपेयर एंटायर सिलेबस फॉर दिसंबर राइट तो दो महीने लगते हैं इफेक्टिवली सिलेबस को करने में लेकिन आपके पास पाँच छः महीने तो दैट्स अ गुड थिंग राइट गिवन की अगर एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में ही होता है तो आई थिंक दिसंबर में ही होगा वो ठीक है तो सो दिस इज़ वॉट वी आर ऑफरिंग राइट नाउ विमेन स्टडीज कोर्स यूजीसी नेट फॉर दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री साइकिल ओके बट बिफोर आई टेल यू कि इस कोर्स के अंदर क्या क्या होगा लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट Myself, okay. So as I, uh, as you might be knowing, my name is Kajal Chaudhary, right? Okay, one second. So I am Kajal Chaudhary, okay, uh, and I did my B.A. History honors from Punjab University Chandigarh in twenty nineteen. Okay. Then I did my Masters in Modern History from JNU uh, Delhi in twenty twenty one, and then I uh, cleared JRF in women's Studies in twenty twenty two. That is last year. लास्ट ईयर आई क्लियर जे आर एफ इन वुमेन स्टडीज एंड दैट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट इट सेल्स ठीक है देन आई गॉट एडमिशन इन सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज जे एन यू एज अ पी एच डी रिसर्च स्कॉलर ठीक है लास्ट ईयर वैसे लास्ट ईयर है ओफिशियली बट एडमिशन थोड़ा लेट हुआ था तो दिस ईयर फेबररी आई गोट एडमिशन इन वुमेन स्टडीज सेंटर एट जे एन यू ठीक है जी सो दिस इज माई फर्स्ट ईयर दैट इज गोइंग ओके सो दिस वॉज समथिंग अबाउट मीन नाउ लेट मी टेल यू कि हम लोग कोर्स के अंदर क्या करने वाले हैं ठीक है तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर डिसमेंबर 2023 ठीक है जी तो अब है इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स पहले वाले कोर्सेज के अंदर होते थे लाइव वीडियो लेक्चर्स दैट आई नो ठीक है आ, लेकिन इस बार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होंगे क्योंकि दिक्कत यह है कि हम लोग सिलेबस कवर कर चुके हैं दो बार इफेक्टिवली ठीक है और स्टैटिक सिलेबस है जो कि ज्यादा बदलता नहीं है जो मटीरियल है वो सेम रहता है ठीक है जो कि डायनामिक पार्ट है वो हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे दैट इज करंट अफेयर्स ठीक है और आपको लाइव डाउट सेशन मिलेंगे ठीक है डाउट सेशन लाइव होंगे डिपेंडिंग ऑन की जब भी आप चाहते हो कि वो डाउट सेशन हो ठीक है वीकली या फिर फोर्थ नाइटली या फिर मंथली ठीक है डिपेंडिंग ऑन की जो भी हमारा बैच होगा बट इतना आप लोग ध्यान में रखो कि ईच एंड एवरी डाउट विल भी टेकन ठीक है कोई भी डाउट छोड़ा नहीं जाएगा और जो हमारे पास दस यूनिट्स हैं पूरी सिलेबस के अंदर वन टू टेन हर एक के पी डी एफ मटीरियल और रिकॉर्डेड क्लास लेक्चर जो हैं वो आपको मिलेगी ठीक है उसके अंदर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है माई नंबर विल बी अवेलेबल ऑन ग्रुप ठीक है आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप टेलीग्राम वेयर एवर यू वॉन्ट मी टू ऑन कॉल ठीक है एंड ऑल्सो हमारे पास डाउट सेशंस तो होंगे ही लाइव ठीक है जी अब एक uh, जो आपके पास एक आपको एडेड फीचर मिल रहा है वो ये है कि हम लोग इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्लास में डिस्कस करेंगे उसके लिए लाइव क्लासेज होंगी नाओ uh, आप लोग एक चीज कर सकते हो कि uh, जो हमने इस बार क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था ठीक है यानी कि हमने फेब्ररी वाला जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था जून वाली साइकिल के लिए उसकी प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन पेपर जो है दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब ठीक है एंटायरली सम समेन इलेवन वीडियोज़ आर देयर बिकॉज वी कवर्ड इट इन इन डेप्थ ठीक है अच्छे से पूरा एक्सटेंसिवली हमने एक एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया था क्या स्ट्रैटेजी एलिमिनेशन स्ट्रैटी आप लोग लगा सकते हो कहाँ से क्वेश्चन आया था कौन सी यूनिट में से था कौन से कई बार सोर्स में से था वो भी हमने कवर किया है तो आप लोग वो जा कर के वो टेन इलेवन वीडियोज़ जो हैं छोटी छोटी वो आप देख सकते हो एंड एनजुअल लोगों की हम लोग क्लास में किस तरह से चीज़ों को डिस्कस करते थे स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किस तरह से डिस्कस किया गया था इस साल भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि जो जून वाला है उसको हम दिसंबर के लिए डिस्कस करेंगे ठीक है और उसके लिए लाइव क्लासेज होंगी ठीक है जी देन नेक्स्ट थिंग इज कि मॉक टेस्ट होंगे राइट right? तो मॉक टेस्ट जो हैं जो हम लोगों ने आ, फेबररी के लिए किए थे देन हम लोगों ने जून के लिए किए थे वो सारे मॉक टेस्ट जो हैं वो आपको ऐप आप के ऊपर मिल जाएंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है और अगर आप चाहो तो आई विल मेक सम न्यू मॉक टेस्ट टू लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है बिकॉज जितना सिलेबस था जितना मटेरियल मेरे पास था आपको पता है वेमेन स्टडीज़ के लिए मटेरियल सोर्सेज उतना ज़्यादा कहीं पे अवेलेबल नहीं होता है तो जो कुछ भी मेरे पास अवेलेबल था दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मॉक टेस्ट जो कि हमने फेबररी और जून में करे थे लेकिन उसके अलावा भी इफ़ यू फील द नीड इफ टेल्स मी दैट यू नीड अ न्यू मॉक पेपर दैट आई विल मेक ठीक है जी नाउ करंट अफेयर्स एज आई टोल्ड यू करंट अफेयर्स का भी एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको अभी दो तीन दिन पहले जो था न्यूज़ में था कि गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लेकर के आई है कि भाई हम लोग विलेज लेवल के ऊपर नारी अदालत्स लॉन्च करेंगे ठीक है जैसे गांव में पंचायत होती है उसी स्केल के ऊपर हर एक गांव के अंदर जो है नारी अदालत होंगी ठीक है अब इस नारी अदालत का क्या स्ट्रक्चर होगा कौन कौन इसके मेम्बर्स होंगे इनका जूरिस कितना होगा ठीक है वट विल बी द एरिया जो कि एज जुडिशियल बॉडीज कवर करेंगे वो सब कुछ दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम बिकॉज एज यू कैन सी दिस इज़ एंटायरली रिलेटेड टू वुमेन स्टडीज़ का पेपर ठीक है तो अब अगर अगेन जो कि मैं आप लोगों को हमेशा पहले कोर्स से बात बताती आ रही हूँ कि करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए यू नीड टू रीड न्यूज़ पेपर्स वेरी इफेक्टिवली ठीक है एंड अगैन अगर आप न्यूज़ नहीं पढ़ते हो, तो फिर दिक्कत हो सकती है बट आई एल बी डूंग दैट फॉर यू ठीक है न्यूज़पेपर बिकॉज मैं वैसे भी जनरली पढ़ती ही हूँ रोज़ और मैं उसके लिए वुमेन स्टडीज़ का तो मटेरियल उसमें से निकाल ही सकती हूँ तो आई एल एड करंट अफेयर्स जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसके ऊपर ठीक है तो रिजल्टिंग जो आपके पास आउटपुट uh, होगा वो ये होगा कि आपके पास स्टैटिक पोर्शन के सारे नोट्स होंगे पी डी एफ मटीरियल होंगी क्लासेस होंगी डाउट सेशन हम लोग रेगुलरली लगाएंगे और जो करंट अफेयर्स है वो तो रहेगा ही और साथ साथ में यू विल बी गेटिंग टू अटेम्प्ट मॉक पेपर तो आपके पास पूरा एक इफेक्टिव पैकेज कॉम्प्रीहसिव पैकेज बन जाता है जिसके अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं है ठीक है देन इज़ की ये आपके थोड़े कन्वीनियंस के लिए ये जो पूरा का पूरा कोर्स है ये मोबाइल डेस्कटॉप यानी कि मोबाइल और आपका लैपटॉप उसके ऊपर जो है ईज़िल अवेलेबल रहेगा आपको जो भी स्क्रीन जो है आपको प्रोडक्टिव लगती है कन्वीनियंट लगती है आप वहाँ से इसको कर सकते हो ठीक है और फी जो है दैट इज़ टू फोर नाइन नाइन ओके okay, हम लोगों ने काफी अफोर्डेबल फ़ी रखी है गिवन की वेमेन स्टडीज जो है वो कोई और नहीं पढ़ाता है इस तरह से कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कोई कोर्स या और कोई ऑफर नहीं करता है कुछ एक रैंडम वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाती हैं बट पूरा सिलेबस कोई भी नहीं पढ़ाता है ठीक है तो दैट इज़ की ये जो है ये हमारा प्रॉमिस है कि आपको कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज मिलेगा इन दिस अमाउंट ठीक है बाकी एक तो मैंने आप लोगों को बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है वो आप देख सकते हो साथ साथ में जो हमने पिछली जो हमारी क्लासेस थी लाइव क्लासेस जो चलती थी उसकी भी कुछ वीडियोस जो हैं कुछ एक टॉपिक्स के ऊपर वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है इसी चैनल पे सेम वुमेन स्टडीज की अलग से प्लेलिस्ट है आप उसके ऊपर जा करके देख सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का तरीका आ, हम लोगों ने क्लासेस को किस तरह से इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करी थी ताकि सब लोग पार्टिसिपेट करें हर किसी के क्वेश्चन लिए जाएँ डाउट्स लिए जाएँ ठीक है अगर आपको वो सब कुछ अच्छा लगता है तो डू जॉइन द कोर्स बाकी तो ऑब्वियसली इफ यू डोंट फाइंड इट दैट गुड तो यू कैन स्कीप ऑन इट और कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर आप सिर्फ ये वाला कोर्स लोगे तो ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ऐसा तो नहीं होता ठीक है आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो लेकिन ये है कि आपके पास क्योंकि वेमन स्टडीज़ में कहीं पर और मटीरियल अवेलेबल नहीं है कुछ और नोट्स अवेलेबल नहीं हैं तो मेरा जिन नोट्स से जे आर एफ निकला था वो वाले नोट्स आई शेयरिंग है तो दे माइट भी हेल्पफुल टू यू ठीक है बस बात इतनी सी है और जल्दी से जल्दी ये कोर्स शुरू होगा ठीक है आई थिंक विद इन टू थ्री डेज विल बी स्टार्टिंग दिस कोर्स जैसे ही लोग आने शुरू हो जाएंगे ठीक है जी ऑलरेडी काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम देन विल यू स्टार्ट कोर्स तो उसकी उसको मद्देनजर रखते हुए ये कोर्स जो है ये दो तीन दिन में ही स्टार्ट होगा ठीक है ओके सो दैट्स इट आई गेस हाँ और यहाँ पे जो है ये नंबर दिया हुआ है ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू जॉइन द कोर्स तो कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर ठीक है आपको जो है दो चीज़ें मिलेंगी एक आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर जिसको आपको ज्वाइन करना होगा ठीक है दूसरा क्या होगा कि भाई आपको जो है ऐप का एक्सेस मिलेगा ठीक है मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के ऊपर आपको ऐप आप का एक्सेस मिलेगा जहां पे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मॉक टेस्ट ये सब कुछ जो है आपके पास अवेलेबल होगा ठीक है और जब भी आप बोलोगे लाइव डाउट सेशन जो हैं वो हो जाएंगे ठीक है ओके सो आई थिंक दैट्स इट Okay, thank you very much.